जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। 1000 प्रश्नों की यह अपनी सीरीज है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो 666वां यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? कौन सी रचना है धर्मवीर भारती की, यह आपके लिए बताना। क्वेश्चन नंबर 666 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं। और यहाँ पर 66 का सही आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि ठेले पर हिमालय। विकल्प नंबर एक हिमालय, जो ठेले पर हिमालय यह रचना है धर्मवीर भारती, आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि सफरी झोले में किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे या धर्मवीर भारती या अजित कुमार, ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 667 का राइट आंसर बताना है। तो 667 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सफरी झोले में यह रचना है किसकी है? तो 67 का आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका डी, यानी कि अजित कुमार आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या है पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? पैरों में पंख बांधकर यह रचना बताना है किसकी? राहुल सांकृत्यन, निर्मल वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुमित्रानंदन पंत। तो 68 का यहाँ पर जो सही आंसर है आपका, 668 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की यह रचना है, विकल्प नंबर आपका यहां पर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? मोहन राकेश का यात्रा वृत्त किस शीर्षक से प्रकाशित है? मोहन राकेश का यात्रा वृत्त जो है किस शीर्षक से प्रकाशित है? तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, पृथ्वी प्रदक्षिणा, सुबह के रंग या आखिरी चट्टान तक। तो 69 का, 669 का जो सही आंसर है यहाँ पर वह है राइट आंसर विकल्प नंबर डी, यानी कि आखिरी चट्टान यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, आखिरी चट्टान आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्या है अगला क्वेश्चन? तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन रिपोर्टाज से आपसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर रिपोर्टाज से। तो क्या है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है यह बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 670 का सही आंसर बताना है, 670 का सही आंसर रिपोर्टाज किस भाषा से भाषा का शब्द है? तो 670 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, क्या हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा किसने शुरू की? तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की जो परंपरा है यह किसने शुरू की यह बताना है, शिवदान सिंह चौहान या रांगी राघव, उपेंद्रनाथ आस्के या धर्मवीर भारती। तो क्वेश्चन नंबर 671 का सही आंसर यहां पर बताना है, 671 का राइट आंसर यहां पर क्या है? तो 671 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर एक, शिवदान सिंह चौहान आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज आपसे यहां पर पूछा है कौन सा है हिंदी का पहला रिपोर्टाज। चार विकल्प भी आपके यहां पर उपलब्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह आपका। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 672 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है राइट आंसर, बिल्कुल सही, लक्ष्मीपुरा, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? लक्ष्मीपुरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की अकाल पर किसने मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज लिखे हैं? बंगाल की अकाल पर किसने मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज लिखे हैं? शिवदान सिंह चौहान, उपेंद्रनाथ अस्क, रांगेव राघव, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 673 का यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वह विकल्प नंबर आपका सी, रांगी राघव, विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसकी रचना है? पहाड़ों में प्रेममय संगीत यह रचना है किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अस्क या नरेश मेहता, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 674 का सही आंसर है विकल्प नंबर एक, उपेंद्रनाथ अस्क यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन?
तो 675वां क्वेश्चन है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला ओपन जो रिपोर्टाज है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? प्रभा में, हंस में, रूपाभ में या समालोचक में? क्वेश्चन नंबर 675 का सही आंसर बताना है। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो था वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो 75 का राइट आंसर है रूपाभ। रूपाभ विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि रंगे राघव द्वारा लिखे गए रिपोर्टाज इनमें से किस पुस्तक में संकलित है? वह कौन सी पुस्तक है? 676 का राइट आंसर बताना है। रंगे राघव द्वारा लिखे गए रिपोर्टाज इनमें से किस पुस्तक में संकलित है? तो क्वेश्चन नंबर 676 का जो सही आंसर है यहाँ पर वह है विकल्प नंबर डी, यानी कि तूफानों के बीच। तूफानों के बीच विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रिपोर्टाज लेखक नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है तो कौन नहीं है, रिपोर्टाज लेखक नहीं है नागेंद्र अज्ञे, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 677, और 677 का क्या होगा राइट आंसर? चार विकल्प दिए गए हैं और 677 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर एक, यानी कि नागेंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। नागेंद्र राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 678, प्लाट का मोर्चा बताना है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 678 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्लाट का मोर्चा, और यह लिखा है तो किसने लिखा है? तो 78 का आपका जो सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि शमशेर बहादुर से। शमशेर बहादुर से है आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्या है, इनमें से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? धर्मवीर भारती की रचना बताना है कौन सी है, युद्ध यात्रा, या क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, या स्वराज्य भवन, या प्राग एक स्वप्न? तो ये चार विकल्प दिए गए हैं और आपका है 679 वह क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है युद्ध यात्रा, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल के अकाल पर लिखे गए रंगेव राघव के अधिकतर रिपोर्टाज किस पत्र में प्रकाशित हुए हैं? तो बंगाल के अकाल पर लिखे गए हैं रिपोर्टाज किसके? रंगेव राघव जी के। तो यह किस पत्र में प्रकाशित है यह बताना है, निकस, आलोचना, बिलास, भारत या समालोचक? 680 का सही आंसर बताना है, और 680 का जो सही आंसर है विशाल भारत, यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। विशाल भारत जिन्होंने विकल्प नंबर सी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव किस युद्ध के समय हुआ था? तो वह कौन सा युद्ध था जब रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 681 का सही आंसर बताना है। 681 का सही आंसर यहाँ पर आपका क्या है? तो 681 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर 681 का? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। जिन्होंने विकल्प नंबर सी बताया है उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि अपोलो का रथ किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपोलो का रथ जो है किसकी रचना है आपके लिए यहां पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 682 का सही आंसर यहां पर क्या होगा? अपोलो का रथ किसकी रचना है? तो अपोलो का रथ जो है रचना है श्रीकांत वर्मा जी की, विकल्प नंबर एक आपका यहां पर सही आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस रूसी साहित्यकार ने रिपोर्टाज विधा का प्रचार प्रसार किया है? तो रूसी साहित्यकार हैं, तो किसने रिपोर्टाज विधा का क्या किया है, प्रचार प्रसार किया है? तो बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 683 वा क्वेश्चन है, और 683 वा का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि बी में क्या है, इलिया एहरेनबर्ग आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए, एक लव्य के नोट से किसकी रचना है? एक लव्य के नोट से रचना बताना है, किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, 684 का क्वेश्चन है, और एक लव्य के नोट से जो है विवेकी रॉय, रंगे राघव, या आपका फणीश्वरनाथ रेणु, या शमशेर बहादुर से? तो 84 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या है,
तो यहाँ पर आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन लिए थे, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग अवश्य जुड़ जाएंगे। बहुत वहीं पर आपके लिए पीडीएफ और जो भी स्टडी मटेरियल रहता है वह सभी आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में ही उपलब्ध कराया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।